नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफ़ी जैसे बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर, और काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो कि जिला समान परीक्षा व अन्य कक्षाओं के रिजल्ट 16 को यानी कि 16 को जारी हो जाएंगे, बाकी 45 दिन के बजाय 40 दिन का होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश। क्योंकि दोस्तों आपका 30 जून तक जो अवकाश है वो लगा दिया गया है, लेकिन जो स्टूडेंट है जो कि स्कूल के स्टूडेंट है उनका भी एक दो दिन में लगने वाला है। लेकिन बात करें दोस्तों जो कॉलेज के स्टूडेंट की, तो उनका तो 1 मई से ही जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो लग चुका है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिला समान परीक्षा व अन्य कक्षाओं के रिजल्ट की तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम कक्षोन्नति संबंधी निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला समान परीक्षा 11 मई तक पूरी होनी है। DEO रामचंद्र पिलानिया ने बताया कि राजकीय विद्यालयों की 6, 7, 9 और कक्षा 11 का रिजल्ट शाला दर्पण पोर्टल पर ही तैयार किया जाएगा। ये परिणाम 16 मई को जारी हो जाएंगे। 17 मई से स्कूलों में ग्रीष्मावकाश शुरू हो जाएगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट जारी होने के बाद में ही आपकी 17 मई से आपके स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश लग जाएगा। इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश करीब 40 दिन का होगा, पहले 45 दिन का होता था। स्कूलों को 10% नामांकन बढ़ाने का टारगेट दिया जाएगा। पहला प्रवेशोत्सव जून के अंतिम सप्ताह में चलेगा। इधर 5वीं एवं 8वीं बोर्ड की एग्जाम 17 मई तक है। इसमें पहली बार स्टूडेंट के अंक देख सकते हो, अंक ऑनलाइन चढ़ाए जा रहे हैं। 17 अंक के 15 अंक व उपस्थिति के 5 अंक सहित कुल 20 अंक भेजे जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि कक्षा 1 से 4 व 6 से 7वीं में नहीं होगी पूरक परीक्षा। बाकी दोस्तों आप सभी को यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और कोई भी अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, गुड बाय।